नमस्कार दोस्तों, मैं आप स्वागत आप सभी को आपके और चैटिंग नाटक पे। आज के लोग बात करने वाले हैं लवली हीरो कौन के बारे में। अभी हम लोग आपकी लवली हीरो कुछ बहुत ही अपडेट देखने मिले, जहाँ पर आप लोग हर चीज़ क्लियर करूँगा आप इसकी क्या क्या लिस्टिंग होने वाली है, और साथ में इस हफ्ते के अंदर में कि इस हफ्ते के अंदर कुछ दिनों के अंदर में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं लवली हीरो कौन में, और क्या इस कौन में लोग मिल सकता है फिर नहीं मिल सकता, साथ में लोग उसको लेकर भी क्या कह रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बैंक कॉल पर सेट कर लें, इस तरह की जितनी अपडेट होगी आने से पाएगी लवली हीरो कौन पर से बहुत सारे कॉइन्स हैं उनकी हर एक अपडेट आप लोग को मिलती है। तो जो स्टार्ट करते हैं, मुझे अभी लवली हीरो का प्राइस चला 0.000001221 का डॉलर में अभी देखने को मिल जाता है, और आज रेट में 0.705 की टर्म पे इसको हम लोग को दिखाई है। अगर आप बात चले तो ट्रेडिंग वाले की, तो ट्रेडिंग वाले पे 24 आवर्स में अच्छा खासा पंप में देखने को मिला 22% की 22% के करीब में ट्रेडिंग वाले हम लोग को स्क्वाड का पंप में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं आज की चार्ट पैटर्न की, तो आप लोग देख सकते हैं आज के चार्ट पैटर्न में हमें कुछ अजीब तरीके देखिए ठीक ठाक ही देख रहे हो, मतलब देखे तो यह लगातार इस कौन ने पंप एंड डंप हम लोग को बनाए हुआ है। आज ये डे प्राइस में उतने में हम लोग कोई बड़ी या फिर गिरावट या फिर बराबर तो कुछ नहीं देख रहे हो, मतलब ना ही कोई बड़ा पंप इस कौन ने किया है, ना ही कोई बड़ा डंप इस कौन ने दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस वजह से प्राइस मूवमेंट देखने मिले 2 से 3 प्राइस उसके अंदर में। अगर आप बात कर लेते हैं इसके कुछ कमेंट्स वगैरह की कि लोग इसको लेकर के अभी क्या बातें करें, तो कैसे आप लोग आप देख सकते हैं लवली थीफ कंपनी के लोग अभी यह भी बात करें कि लवली थीफ कंपनी है, लवली चोरी कंपनी है या कि स्कैम कंपनी है, यह लोग यहाँ पर लॉस ही देगी हमेशा। आप इस तरीके कुछ लोग भी बात करें लवली देख सकते हैं लवली ट्विटर इज वी साइलेंट वन, क्योंकि लवली का जो ट्विटर है वो क्यों अभी साइलेंट हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ लवली का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वो यहाँ पर बहुत देर से 4 से 5 दिनों से कोई भी ट्वीट नहीं कर रहे, नो ट्वीट नो हाइप, आई थिंक पीपल डोंट हैव इंटरेस्ट इन दिस स्कैम कॉन। एक मेरे को लगता है कोई भी आदमी कोई भी पीपल इस स्कैम कॉन पे इंटरेस्ट नहीं रखता है। इट्स द ओनली कॉन विच लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क सिटी एंड इट्स कम डाउन 90% ऑफ ATH। एक का ये कहना बताया कि ये सिर्फ वही कॉइन है, एक तरह का स्कैम कॉइन है जो जोर से नए नए एक्सचेंजेस पे, जो कि बहुत से एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है, लेकिन उसके बाद आप इसका हम लोग का जो ATH है 90% कॉइन डाउन बात हुए नजर आ रहा है। उस बात इन्होंने कहा टोटली स्कैम कॉइन है, कोई पब्लिक कॉइन हम लोग को आयुष नहीं दिखाने वाला है। और वो स्कैम की बात करें तो आप देख सकते हैं लवली बिग फ्रॉड दे ऑलवेज डू रॉन्ग प्रोमिसेस, इफ यू लव योर मनी देन इन्वेस्ट देन इन्वेस्ट इन बैच, कैसे आप लोग आप देख सकते हैं बिटकॉइन कॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक बात की लवली लोग बहुत बड़ा फ्रॉड कॉइन है, अगर आप लोग आप चाहते हैं कि हमेशा अपने प्रोमिसेस को रॉन्ग साबित करते हैं, कि जो भी प्रोमिस करते हैं वैसे इस कॉइन में कुछ होता नहीं, हमेशा एक प्रोमिस रॉन्ग ही हो जाता है, और अगर आप लोग अपने पैसे चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट करने का, उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का, तो आप लिया ब्रांच टोकन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिटकॉइन कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, तो आगे बढ़ते हैं लवली नाउ लिस्टिंग ऑन FTX WorldTech एंड इट्स पॉसिबल रियली, कहीं कहें कि लवली जो है अभी यहाँ पे लिस्ट होने वाला है FTX पे, बहुत बेटर है स्पॉसर के साथ। कहेंगे लोग अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी जो कि इस पर भी विश्वास कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि वो भी पुराना होल्डर जो कि बहुत ही उसको वॉच करते हुए आ रहा है, वो तो भी बिल्कुल भी लवली पे विश्वास नहीं कर रहा होगा। अब जो जो नए नए होल्डर्स आ रहे होंगे, नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे होंगे, वो लोग इस पर विश्वास कर रहे होंगे। क्या बताए लवली डोंट बाय दिस स्कैम प्रोजेक्ट, मदर ऑफ स्कैम लवली नोट ट्वीट नो पंप लवली सोल लवली गुड प्रोजेक्ट लवली मदर ऑफ ऑल द स्कैम्स लवली बाय नॉट होल्ड, ऐसे कहा जाए कि सभी लोग अभी यही बात कह रहे हैं कि लवली लोग बहुत बड़ा स्कैम कॉइन है, बहुत बड़ा फ्रॉड कॉइन है, और मेरे इतने पैसे इस कॉइन में डूब चुके हैं, आप लोग बढ़ाना चाहते हैं मेरे पैसे को, तो इसको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। इसलिए कुछ पता चलिए अभी लोगों की तरफ से यहाँ पे कॉन बकेट कैप पे। चलिए अब बात कर लेते हैं जो भी हम लोग को अभी कमेंट होंगे, जो भी न्यूज़ वगैरह आ रही है बेडो लवली कॉन की उसके बारे में, तो आप जैसे भी अपने गाँव देखते हैं लोग सबसे पहले ट्विटर यहाँ पे बताइए इसकी लिस्टिंग को लेकर, मैं आप लोग बता दूँ इस कॉइन की जो नेक्स्ट लिस्टिंग होने वाली है वो होने वाली है ICRYPX एक्सचेंज पे है। इस कॉइन का पूरा नाम भी अभी हम लोग को नहीं पता है, इसका ज़्यादातर सारे लोग इसको लेकर के यही बात जान रहे हैं कि इस एक्सचेंज का नाम है ICRYPX, जिसमें बहुत जल्द लवली फाइनेंस लिस्ट होने वाला है। अब इस है टर्किश एक्सचेंज की जो ICRYPX एक्सचेंज है, ये टर्किश क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जहाँ पर आप देखते हैं डेट कैन और ट्रेड बोथ डॉलर्स टेदर एट द सेम टाइम, ऐसे यहाँ पर बहुत भी क्वान्टिटी में यहाँ पर डॉलर्स और साथ में टेदर यूएसडी सब कुछ यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। इस टैलो से 2018 कि जो एक्सचेंज है इस्टेब्लिश हुआ था 2018 में, 2018 में ज़्यादा पुराना एक्सचेंज नहीं, तो भी 2 साल पुराना एक्सचेंजेस है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ा आप देख सकते हैं
फोर थिंग्स आर कमिंग इन लवली नू फाइनेंस, लेकिन चार थिंग अभी ऐसी है, चार चीज़ें अभी ऐसी है जो कि लवली नू फाइनेंस में, लवली नू कॉइन में होने वाली है, जिसमें यहाँ पर नंबर वन है बिगेस्ट मार्केट कैप इज इन। तो आप लोगों की बात तो पता ही होगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग कैप इज इन कमिंग फॉर लवली, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट कैप इज इन आने वाला है लवली नू कॉइन के लिए, उस बात ही इन्होंने यहाँ पर रखी है। नंबर वन पे कि बहुत बड़ा इसका मार्केटिंग कैप इज इन आने वाला है। सेकंड में यहाँ पर रखा बिग एक्सचेंज लिस्टिंग, लेकिन बहुत बड़ा एक्सचेंज पर लवली फाइनेंस की लिस्टिंग होने वाली है। मैं बहुत अच्छे से बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे पिछले टाइम में कॉल लिस्ट हुआ भी है, लेकिन तब भी कोई पब दिखाया नहीं है। तीसरे बातें यहाँ पे कही है कि बिग एक्सचेंज लिस्टिंग होने वाली है, और चाहे तो मेरे को लगता है बिग एक्सचेंज है मान रहे आई सी आर में पी एक्स एक्सचेंज को, जो कि टर्की से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और साथ ही उसके साथ यहाँ पे एक और एक्सचेंज क्या नाम है एफ टी एक्स, उसको भी लेकर भी लोग कह रहे हैं कि उस पर लिस्ट कौन हो सकता है और उस पर लिस्ट होने वाला है। और फिर थर्ड नंबर पर प्रोडक्ट लॉन्च, यानी कि लवली नू का एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है जिसके बाद एक अच्छा खासा हाइप इस कॉइन देखने को मिल सकता है। और फोर्थ नंबर पर उन्होंने कहा क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 विद टाइटेनस स्पॉन्सर, यानी कि इसका क्रिप्टो एक्सपो दुबई होने वाला है, आपको पता है 2022 का, उसमें यहाँ पर लवली नू को टाइटेनस स्पॉन्सर बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है लवली नू के लिए। इट्स अ प्लेजर टू हैव लवली नू ऑन द फ्लोर ऑफ द क्रिप्टो एक्सपो इन दुबई ऑन 5th October एंड 6th आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग देखने को मिल जाता है, ये हम लोग का प्लेजर है कि लवली नू कॉन फ्लोर में लवली नू क्रिप्टो एक्सपो दुबई में यहाँ पर 5th October 6th October को जो होने वाला है 2022 में, उसमें यहाँ पर टाइटेनस स्पॉन्सर के रूप में माना गया है, बहुत अच्छी बात है। सून विल सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ लवली नू फाइनेंस, बहुत ज़्यादा हम लोग लवली नू फाइनेंस के सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप लोग उसको बिल्कुल भी सेल ना करें लोगों की अलग अलग बातों पर आकर के, क्योंकि आप लोगों ने अगर लवली नू को बाय करके रखा हुआ है तो आप लोगों ने एक तरीके से डायमंड को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट जाता है, अच्छा प्रॉफिट जाते हैं यहाँ पे लवली नू कॉइन से, तो आप लोग सेल बिल्कुल लगा रही, कुछ इस तरीके की बातें यहाँ पे लोग अभी कह रहे हैं। जी उन्होंने कुछ बात कर अपडेट दी, मुझे हर चीज़ समझ और साथ में आप लोग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग लवली नू कॉइन को लेकर के तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और उस कमेंट का आंसर मैं आप लोगों को कमेंट में फिर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। अगर आप लोग चैनल पर ले चैनल सब्सक्राइब कर ले, बाइक पर सेट कर ले, तो इस तरीके जितनी अपडेट होगी जितने भी न्यूज आएगी लवली नू कॉइन पर बहुत सारे कॉइन्स हैं उनकी भी हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती है। बस मिलकर नेक्स्ट वीडियो, तब जय हिंद जय भारत।